ऑल आइज ऑफ रफा नाम तो आपने सुना होगा। इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच पिछले लंबे समय से एक ऐसी वार चल रही है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। अब तक इसमें ना जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस जंग में क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, ना जाने कितने ही लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। वहीं लोग इसकी जमकर निंदा भी कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में इजरायल सेना ने गाजा के बाद राफा पर अटैक किया है। रविवार को राफा के शरणार्थी शिविरों पर हमले में 45 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। और अब इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है, जिसे शायद आपने भी देखा होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये पोस्ट और क्यों हर कोई इसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। आखिर ऑल आइज ऑफ रफा सोशल मीडिया पर क्यों कर रहा है ट्रेंड, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com, मैं सतीन शर्मा। गाजा का शहर राफा है, यहाँ पर इजरायल फिलिस्तीनियों के कैंप पर जबरदस्त हमला किया है और अब तक करीब 45 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में इस हमले की निंदा पूरा विश्व कर रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑफ रफा ट्रेंड करने लगा। इसके जरिए आम लोगों से लेकर चर्चित हस्तियां तक गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतर कर आए हैं। आपको बता दें कि 24 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ ने इजरायल को आदेश दिया था कि वो राफा में अपने सैन्य ऑपरेशन को बंद करें। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और जो हमला हुआ उसमें 45 लोगों की जान चली गई और इसी वजह से पूरे विश्व में इसे लेकर नाराजगी है। अगर आपको लग रहा है कि ये नारा अचानक से ही ट्रेंड में आया है तो आपको बता दें कि स्लोगन का सबसे पहले फरवरी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के डायरेक्टर री पिपकॉन ने इस्तेमाल किया था। पिपकॉन ने फरवरी में इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा निवासी योजना बनाने के आदेश के कुछ दिनों बाद कहा था कि सभी की निगाहें राफा पर हैं। नेतन्याहू का दावा है कि आतंकवादी समूह हमास के आखिरी बचे हुए गढ़ों को खत्म करने के लिए योजनाबद्ध हमलों से पहले शहर पर हमला किया जाएगा। ऑल आइज ऑफ रफा का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। अगर हम स्लोगन की बात करें तो दुनिया भर की नज़रें इस वक्त इजरायल और फिलिस्तीन पर जाकर टिक गई हैं और साथ ही वहां पर हो रही घटनाओं से लोगों का मुंह ना मोड़ने के लिए कहा गया है। महीनों से चल रही इस जंग की वजह से करीब 14 लाख गाजावासी फिलहाल राफा में शरण लिए हुए हैं और इस बड़ी आबादी के बावजूद इजरायल वहाँ हमले कर रहा है। ऐसे में ताजा हुए हवाई हमले में करीब 45 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए हैं। इसी के बाद ऑल आइज ऑफ रफा स्लोगन सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वहीं इस मामले में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक सितारों ने अपना समर्थन दिखाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका, इरफान पठान और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी जैसे कई और मशहूर लोगों ने भी इस स्टोरी को शेयर किया है। वहीं आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, शोरा भास्कर, रीता चड्ढा, तृप्ति डिमरी, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, रश्मिका मंदाना, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, अतिया सेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ऑल आइज ऑफ राफा पोस्ट किया है और फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपना समर्थन दिया है। पाकिस्तान एक्ट्रेस यमुना जैदी का और साथ ही पाकिस्तान एक्ट्रेस माहिरा खान, ब्रिटिश एक्ट्रेस मॉडल एमी जैक्सन भी इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा है। आप इस ट्रेंड के बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएँ। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।